नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। मुंबई के अस्पताल में जिंदगी बचाने वाले इंजेक्शन ने ही ली थी 21 बच्चों की जान। टाइम्स न्यूज नेटवर्क। मुंबई के एक अस्पताल में 6 साल पहले 21 बच्चों की मौत हुई थी। जांच में पता चला है कि जिस रोग से बचाने के लिए एंटीबायोटिक दी गई थी, घातक बैक्टीरिया उसी के शीशे में पनप रहा था। प्रतीकात्मक चित्र हाइलाइट्स। मुंबई के नायर अस्पताल में 2012-13 के बीच 21 बच्चों की मौत हुई थी। जांच में पता चला एंटीबायोटिक की शीशी में घातक बैक्टीरिया मौजूद था। बीसीसी नाम के इस बैक्टीरिया के खिलाफ कई एंटीबायोटिक्स बेसर हैं। सुमित्रा देव रॉय मुंबई। मुंबई के बीवाईएल नायर अस्पताल में 6 साल पहले 21 बच्चों की मौत के पीछे हैरान करने वाली वजह सामने आई है। इस सिलसिले में हुए एडवांस्ड टेस्ट से पता चला है कि इन बच्चों की मौत दूषित एंटीबायोटिक इंजेक्शन की वजह से हुई थी। इस एंटीबायोटिक दवा के वायल में वही बैक्टीरिया पनप रहा था जिसके इलाज के लिए यह इस्तेमाल की जाती है। ये मौतें मुंबई सेंट्रल के पास मौजूद नायर अस्पताल के बाल विभागों रायसीर में 2012 और 2013 के बीच हुई थी। इसमें कम से कम 76 बच्चे प्रभावित हुए थे। इस बैक्टीरिया का नाम बर्कहोल्डरिया सेनिस एपेश कॉम्प्लेक्स बीसीसी है। बीसीसी कई एंटीबायोटिक्स के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुका है और अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच इन्फेक्शन फैलाता है। इसे लेकर मेडिकल जगत काफी परेशान है। नायर अस्पताल के डॉक्टरों सीएसआईआर और पीजीआई चंडीगढ़ के विशेषज्ञों ने अपने परीक्षणों के बाद पता लगाया कि यह बैक्टीरिया एंटीबायोटिक एमेकोसिन के अंदर पनप रहा था। भारत के अस्पतालों में मौजूद है यह बैक्टीरिया। पहली बार किसी परीक्षण में यह साबित हुआ है कि बीसीसी नाम का यह बैक्टीरिया भारत के अस्पतालों में मौजूद है। यह उसी दवा से अपना पोषण लेकर पनपता है जो इसे खत्म करने के लिए बनाई गई है। जब 2012 में बच्चों का ब्लड टेस्ट किया गया था, उसी समय यह बैक्टीरिया फैल गया। पीजीआई के माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर विकास गौतम का कहना था, मॉलिक्यूलर टेस्ट से हम यह पता लगाने में कामयाब हुए हैं कि यह बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के वायल में ही पनप रहा था। नायर अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर जयंती शास्त्री के मुताबिक, इस स्टडी से पता चलता है कि इन्फेक्शन में अचानक बढ़ोतरी के समय माइक्रोबायोलॉजिस्ट और फिजिशियन को सतर्क रहना चाहिए।